बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स। माय नेम इज़ डॉक्टर इफ्तिखार अजीम न्याज। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये पूरा यकीन है कि जो अभी तक मैंने टॉपिक्स लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किए होंगे उनको समझने में आपको कोई मसला या परेशानी नहीं हुई होगी। अभी तक बेसिकली हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को कवर कर रहे थे। आज का भी जो लेक्चर होगा वो आपकी पुरानी नॉलेज को ही ज़रा थोड़ा सा हम रिवाइज़ करेंगे एक नए तरीके से और इस कोर्स के हवाले से। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसमें हमने मशीन लैंग्वेज की बात की। मशीन लैंग्वेज में जो अर्ली कंप्यूटर्स बने तो जो वो खासे महंगे थे, तो हार्डवेयर वही लोग इस्तेमाल करते थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती थी। और उसके लिए क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज को समझता था, तो इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है वो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में होती है। उसमें तमाम इंस्ट्रक्शन और तमाम प्रोसीजर ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में होते थे। प्रॉब्लम उसकी ये थी कि जो आपका मशीन कोड था दैट वॉज मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि आपके जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं दे हैव देयर ओन इंस्ट्रक्शन सेट्स। सो वन प्रोग्राम रिटन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेसर कैन नॉट बी रन ऑन अनदर प्रोसेसर। तो जो उसका मशीन कोड था ये इट वाज ऑलवेज मशीन डिपेंडेंट। प्रोग्रामर्स हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर, एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी रजिस्टर्स एंड एटसेट्रा। तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत होती थी। द प्रोग्रामिंग वॉज कम्बर्सम एंड एरर प्रोन। अगर गलती से कहीं वन की जगह जीरो चला जाता था तो उस एरर को ट्रेस करने में और उसको करेक्ट करने में घंटों लग जाते थे और बाज़ औकात वीक्स भी लग जाते थे। फिर द सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस के हम असेंबली लैंग्वेज, जिसमें जो है स्टिल लोअर लेवल थी और वो इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट आर्किटेक्चर पर थी। एंड इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ एन ईजी टू रिमेंबर निमोनिक, जिसको हमने वो फॉर्म में होती थी जिसको निमोनिक कहते थे, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, एंड दे यूज़ द कमांड नेम दैट निमोनिक्स। फिर क्योंकि कंप्यूटर जीरोज और वन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था तो इसलिए जो है फिर हमें वो उसके लिए असेंबलर डेवलप करने पड़ेगी जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में। देन कम्स द हाई लेवल लैंग्वेजेस इन सिम्बॉलिक नेम्स दे रिप्लेसेस द एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस। The user writes the high-level language programs in a language similar to natural language, for example, English. और इसमें बहुत सारी हमने देखा कि languages आई, Fortran, COBOL, Pascal, C++, Java, C#, ADA, Snowball, Lisp. और इसमें यह था कि हर language का एक अपना grammar थे, उसके rules थे, तो programmer को उन rules के मुताबिक program को code करना होता था। The symbolic names for the memory locations where values are stored, they are called variables. और चूंकि वो बात वही थी कि जो द प्रोग्राम्स वर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो वी नीड अ कन्वर्टर जिसको कि हम कंपाइलर कहते थे। इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड फॉर दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। तो उसमें फिर बाद के इंटरप्रेटर्स भी आए जो कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर की बात की थी। सोर्स लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन प्रायर टू एग्जीक्यूशन। तो उसमें हमने स्टेजेस देखी थी कंपाइलेशन की कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन एडिटर। प्रोग्रामर एडिटर में जो है वो एक जैसे सी लैंग्वेज के लिए यू नीड एन एडिटर, तो उसमें सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पहले कोड किया जाता था अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ एंड सिमांटिक्स ऑफ द सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद कंपाइलर को वो इनपुट दी जाती थी फाइल, और कंपाइलर उसको रीड करके उसको फिर एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता था जो कि इंटरमीडिएट कोड आप कह लें, मशीन लैंग्वेज कोड तो होता था मगर वो फुली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता था क्योंकि उसमें फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल होता था। तो वो इनपुट बनता था लिंकर को जो कि लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरे कोड को जो आपने इस्तेमाल किया हुआ होता था उसको वो एग्जीक्यूटेबल कोड के साथ जोड़ देता था। एंड देन द आउटपुट इज़ द एग्जी फाइल विच इज़ द एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि आपने किसी भी मशीन पर रन करनी थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि वो लोडर चार्ज वो इस प्रोग्राम को आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चाहे चाहे वो हार्ड डिस्क हो या
मेमोरी स्टिक हो, कहीं से भी हो, तो उसको वो लोड करता था मेन मेमोरी में, एंड उसके बाद जो है वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता था, विच शेड्यूल्स एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। इंटरप्रेटर की हमने बात की थी कि सोर्स लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई लाइन बाय लाइन बाय इंटरप्रेटर या वर्चुअल मशीन एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। तो बेनिफिट उसका यह था कि ईजी टू इम्प्लीमेंट सोर्स लेवल डिबगिंग एंड ऑन द फ्लाई प्रोग्राम जैसे भी चेंज होता था, मगर उसका डिसएडवांटेज ये थी कि आपको मशीन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर को भी मेमोरी में रखना पड़ता था और उसको उसी वक्त पहले ट्रांसलेशन करनी होती थी और फिर एग्जीक्यूशन होती थी, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो होती थी एज़ कम्पेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ से आपको एग्जीक्यूटेबल कोड एडवांस मिल जाता था। वी ऑल्सो टॉक अबाउट दी प्रोसीजरल एंड मॉडलर प्रोग्रामिंग, और उसमें जो है हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात की कि डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड देन वी फाइंड सॉल्यूशंस टू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम और उन सॉल्यूशंस को हम इंटेग्रेट कर देते थे, एंड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है तो उसमें ईच सब प्रोग्राम इज एड्रेस्ड बाई यूजिंग थ्री मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने देखे थे, सीक्वेंस सिलेक्शन आइट्रेशन एंड विच लीड्स टू ऑर्गेनाइज वेल structured computer program code, and it also allows for the modular programming, kyunki modules ban jate the, the program problem is divided into smaller problems in modular programming and each sub problem is then analyzed independently, a solution is obtained to solve the sub problem and the solution of all sub problems are then integrated and combined to solve the overall problem। तो इसमें साथ में प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग थी इज बेसिकली इज द कंबाइनिंग द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग विद मॉडुलर प्रोग्रामिंग। फिर हमने थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम देखा, हमने कहा था कि अ सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस या जिनको हम प्रोसीजर्स भी कहते हैं, एंड देयर मस्ट बी अ फंक्शन कॉल्ड मेन इन एवरी एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम। तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूटेबल लिखते थे वो मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन में लिखी जाती थी, एंड एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन। तो आप उसके अलावा जितने भी फंक्शन या सब प्रोग्राम्स लिखते थे दे आर बेसिकली कॉल्ड बाय द मेन फंक्शन, और जब या कोई और दूसरा फंक्शन जब उनको कॉल करता था एट दैट टाइम दे वर बी एग्जीक्यूटेड, और जो है वो मेन जो फंक्शन था वो कंट्रोल में रहता था, और जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता था तो वो मेन फंक्शन से ही टर्मिनेट होता था। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट डेटा एंड डेटा स्ट्रक्चर, हमने कुछ उसका देखा, हमने बात की उसमें एब्स्ट्रैक्शन की कि विच सेपरेट्स द पर्पज ऑफ अ मॉड्यूल फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन, हमने कहा जी कि उसका जो पर्पज़ है और उसके इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट रखना चाहिए, एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर ईच मॉड्यूल मस्ट बी रिटन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमने फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन की बात की कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बात करें बाद में हम उसको देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इट सेपरेट्स द पर्पज़ ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन की हमने बात की कि फोकस ऑन द ऑपरेशंस ऑफ डेटा एंड नॉट ऑन द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑपरेशंस, के ऑपरेशंस को ऑपरेट कैसे करना है, हाउ टू डू इट, और उसको इम्प्लीमेंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करना उसको हमने सेपरेट किया, दैट्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विच इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा, एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड विदाउट नोइंग हाउ द ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड एंड इफ द ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस आर नोन टू द प्रोग्रामर। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर which is a construct that can be defined within a programming language to store a collection of data. फिर हमने देखा था कि why we need data structures, the goal basically ये था to organize data, and criteria था to facilitate efficient storage of data, retrieval of data and manipulation of data. Abstract data type के हवाले से हमने फिर उसमें ये कहा था कि our definition for a data type solely in terms of a set of values and a set of operations on that data type, and each abstract data type operation is defined by its inputs and outputs, ke kya karna hai aur uska result kya hoga, aur isme jo implementation details hai usko encapsulate kar diya gaya abstract data type ke andar ki wo kaise karega, how to do it, aur usko chupa diya gaya। To I hope ke ye jo humne last lecture mein baatein discuss ki thi you won't find any problem in understanding them and you're feeling much more confident।
तो आज के हम लेक्चर की बात करेंगे, तो आज हम ज़्यादातर रिविजन्स ही करेंगे, उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। आज का हमारा फोकस होगा एरेज के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर और पॉइंटर्स के ऊपर। तो ये सी लैंग्वेज के हवाले से हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स के। डेटा, डेटा मीन्स अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि एग्जांपल है कि हम इसमें देख रहे हैं कि 34 इज़ अ वैल्यू, ये जो डेट आ रही है 10th जनवरी 1965 इज़ अ वैल्यू, पास्कल इज़ अ वैल्यू, ये जो आपको कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स नज़र आ रहे हैं 21, 25, 28, 30, 35, 37, 38, दिस इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ वैल्यूज, तो ये भी डेटा है। एंटिटी बेसिकली क्या है कि एंटिटी इज वन दैट हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स एंड विच मे बी असाइंड वैल्यूज। एंटिटी वो है कि जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर आप उन एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेते हैं कि एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, एंटिटी है। अब उसके चंद एक एट्रीब्यूट नेम वैसे बेतहाशा हो सकते हैं, मगर हम यहाँ सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं कि तीन उसके एट्रीब्यूट हम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स एंड डेजिग्नेशन और नेम। अब उसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो नेम में वैल्यू होगी अहमद, डेट ऑफ बर्थ में आएगी 31st December 1999, सेक्स मेल, डेजिग्नेशन डायरेक्टर। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है कि बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कुड बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। जैसे अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स के जो डोमेन है उसमें दो वैल्यूज हैं, मेल और फीमेल। तो इसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट थिंग है दैट इज इंफॉर्मेशन, कि हाउ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा। हमने ऊपर देखा है कि डेटा जो है इट्स बेसिकली अ वैल्यू है, ये सेट ऑफ वैल्यूज है, मगर जब उस डेटा को हम प्रोसेस कर लेते हैं, किसी मीनिंगफुल फॉर्म में ले आते हैं, देन दैट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू द ह्यूमंस। डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। डेटा टाइप बेसिकली डिफाइंस द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा एंड द करेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट डेटा। ये आपको बताएगी कि उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं सेट ऑफ डेटा की, और उस पर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस किस्म का है। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक नेचर ऑफ डेटा दैट आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग रादर देन देयर इम्प्लीमेंटेशन। कि ये हम डेटा टाइप के हवाले से ये बात करेंगे कि वो उसकी स्टोरेज किस हवाले से है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर कैसे कर रहा है, वो इतना फोकस नहीं होगा। हमें ये देखना है कि उसकी बेसिक नेचर क्या है। And data structure refers to the actual implementation of the data type and offers a way of storing data in an efficient manner. Data structure में हम देखेंगे उस data type के जो set of values हैं उनको हम computer में कैसे store करेंगे और उसको किस तरह हम efficiently use कर सकते हैं। Any data structure is designed to organize data to suit a specific purpose so that it can be accessed and worked in appropriate ways both effectively एंड एफिशेंटली। तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा को ऑर्गेनाइज इस तरह किया जाता है कि एक खास मकसद के लिए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सो दैट कि आप उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इसी एफिशेंटली हो जाए और इफेक्टिवली हो जाए, रादर देन कि उसमें टाइम कंज्यूम हो जाए। एंड डेटा स्ट्रक्चर आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द डेटा टाइप्स, रेफरेंसेज एंड ऑपरेशन ऑन दैम दैट आर प्रोवाइडेड बाई अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाती है, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर को क्या सहूलत दे रही है कि वो उस डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसमें बाज़ दफ़ा तो होता है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको वन टू वन करस्पॉन्डेंस मिल जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप उसको उस तरीके से कर लेते हैं, मगर अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसकी वन टू वन मैपिंग नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन प्रोग्रामर के पास ये ऑप्शंस होती है कि उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें। तो हमारे इस कोर्स में बेसिकली हम एक तो कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको सैंपल के तौर पे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको कितने डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरीके के क्या फ़ायदे होंगे और उसके क्या नुकसान होंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। बात यह है कि स्टोरेज और उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हमें रखनी है कि वो उसको हम एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकें, स्टोर कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें।
are different kind of data structures are suited to different kind of applications and some are highly specialized to specific tasks. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दे आर सूटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन और उसमें चंद एक तो ऐसे स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए वो बहुत पर्टिकुलर हैं। जैसे अगर आपने डेटाबेसिस को इम्प्लीमेंट करना हो बैक एंड पे तो वहाँ पर बी ट्रीज दे आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड। अगर आप उसको सिक्वेंशियल फाइल या इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की मदद से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हो तो जाएगा बट दे विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपने कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसी लैंग्वेज के लिए तो उसमें फिर बी ट्रीज या एरेज जो है वो आपको इतने हेल्पफुल नहीं होंगे, जबकि हैश टेबल्स जो हैं वो लुकअप जब भी किसी आइडेंटिफायर को ढूंढना होता है तो हैश टेबल्स जो है वो क्विकली रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू मल्टी डायमेंशनल एरे या हम बी ट्रीज की बात करें। तो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ मींस टू मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। तो ये आपको वो मींस प्रोवाइड करता है कि जिसमें बहुत आपका मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स में भी अगर डाटा हो तो उसमें जो है वो इसको इजीली मैनेज कर ले, सच एज लार्ज डेटाबेसेस एंड इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्विसेज। तो इंटरनेट जो बहुत बड़े डेटाबेसेस आजकल जैसे अगर आप देखें तो एंटरप्राइज पे आते हैं तो वो जो आपके जो डेटाबेसेस हैं उसके अंदर डेटा जो है दैट गोज इनटू टेराबाइट्स, उनके डेली का वो इतनी इनपुट हो जाती है। जैसे अगर आपके जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं अगर आप वो डेली बेसिस पे जो कॉल रिकॉर्ड वो स्टोर कर रहे हैं तो इट गोज इनटू टेराबाइट्स ऑफ डेटा। इसी तरह इंटरनेट पे जब आप याहू गूगल या बिंग सर्च करते हैं तो बेसिकली उन्होंने इतने बिलियंस ऑफ वेब पेजेस बढ़े हुए हैं तो उनको जब वो एक्सेस करते हैं तो उनको क्विक एक्सेस करने के लिए जो आप उसको देते हैं क्योंकि उसने आपको विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड रिस्पॉन्ड करना होता है तो उसमें जो है उसको इंडेक्सिंग की जाती है। अब इंडेक्सिंग से जो है वो ढूंढना आसान हो जाता है, अदरवाइज अगर आप हर पेज को बारी बारी सर्च करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो यूजली एफिशिएंट हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर अ की टू डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा तो उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करेंगे जो प्रोसीजर करेंगे जो आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो एफिशिएंट हो जाएंगे। अगर आपकी चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए गलत हो गई तो उसके लिए एफिशिएंट जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट नहीं होगा और उसकी कॉस्ट आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस दोनों में आएगी। अगर हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें तो एवरीथिंग इज जस्ट अ बंच ऑफ बिट्स फॉर कंप्यूटर। तो बिट जो है वो बाइनरी डिजिट से निकला है, तो बाइनरी डिजिट्स बाइनरी बेस टू में दो ही डिजिट्स हैं 0 और 1 एंड बिट्स कैन रिप्रेजेंट मैनी डिफरेंट थिंग्स। ये आपकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे वो इंटरप्रेट करता है। एंड यू एंड योर प्रोग्राम दे मस्ट कीप ट्रैक ऑफ वॉट काइंड ऑफ डेटा इज एट ईच लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये आप पे और आपके प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि उसने ये देखना है कि आपका डेटा जो है वो मेमोरी लोकेशन में कहाँ पड़ा है और क्या पड़ा। इसके एग्जांपल अगर जैसे प्रोग्राम के अंदर जो आप डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं वो आपको आपके और आपके प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, उस पर क्या ऑपरेशंस अलाउड हैं और उसमें क्या सेट ऑफ वैल्यूज हम एट एनी गिवन टाइम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रोसेसर वर्क विद फाइनाइट साइज डेटा, वो इनफाइनाइट साइज डेटा पे काम नहीं करता, वो फाइनाइट साइज पर उसको बताना होता है आपने। तो ऑल डेटा आर इम्प्लीमेंटेड बेसिकली एज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है इन द कंप्यूटर। तो एक बिट के अंदर या तो एक बाइनरी डिजिट आप स्टोर करेंगे या वो 0 होगा या 1 होगा और बेसिकली वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर वो चार्ज कम है तो वो उसको 0 इंटरप्रेट करेगा, अगर चार्ज ज़्यादा है तो वो उसको 1 करेगा। और बाइट जो है वो टर्म है वो इज इक्वल टू 8 bits। अगर हम ये आपको तस्वीर में थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि अगर बिट ये है तो बाइट ये होगा और अगर वो मेगाबाइट की बात करें वो जो कि 10^6 के हिसाब से आता है तो वो कितना बड़ा होगा एंड टेराबाइट इज गुड। तो वर्ड जो है वो बेसिकली ये भी एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टोरेज के हवाले से प्रोसेसिंग के हवाले से कि लार्जेस्ट डेटा साइज हैंडल बाय अ प्रोसेसर एट एनी गिवन टाइम। तो जो ओल्डर कंप्यूटर्स थे उसमें जो वर्ड लेंथ थी वो 32 bit थी, आजकल जो आपके पेंटियम एंड ऑनवर्ड जितने आ गए हैं ये i-core, i5, i7 और quad duo वगैरह इसमें जो वर्ड साइज है वो 64 bits है। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर जो है वो 64 bits को एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है।
अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है और आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का है और वो उसमें वर्ड साइज क्या आप इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज की। बेसिकली जो है वो फोर बेसिक टाइप्स हैं, एक कैरेक्टर है, इंट है। अब इंट में भी वेराइटीज़ हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग है, अनसाइंड है, फ्लोट है और डबल है। अगर हम थोड़ा सा साइजेस में देखें ऑफ दीज टाइप्स, तो कैरेक्टर जो है उसको बैकएंड पे एक बाइट में स्टोर किया जाता है, इंटीजर को फोर बाइट्स में है, शॉर्ट को जो है वो टू बाइट्स में स्टोर किया जाता है, लॉन्ग को एट बाइट्स में किया जाता है, फ्लोट को फोर बाइट्स में किया जाता है, डबल को एट बाइट्स में किया जाता है। यू ऑलरेडी फेमिलियर, तो इंटीजर जो है उसमें ये चार वैल्यू, उसमें होल नंबर्स होंगे और उसमें अगर ये अनसाइंड हो तो फिर ये सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर स्टोर करेंगे, अगर ये इंट है तो इसमें आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट में चूंकि टू है तो वो टू बिट्स के हवाले, टू बाइट्स के हवाले से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसमें एक मखसूस लिमिट होगी, उसी के अंदर आप स्टोर कर पाएंगे। लॉन्ग जो है वो अगर आपने बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी तो उसके लिए वो 8 बाइट है, अगर आपकी जो डोमेन वैल्यूज़ हैं वो छोटी हैं तो उसके लिए अगर आप डाटा टाइप लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एंड वेस्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। फ्लोट जो है ये डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए है, डबल जो है उसकी भी स्ट्रेंथ इसमें डिफरेंट है। एंड साइजेज ऑफ दीज टाइप्स वेरी फ्राम वन मशीन टू अनदर, इवन एंड फ्राम वन कंपाइलर टू अनदर। तो डिफरेंट सी लैंग्वेज को एक NCC है, उसके अलावा दूसरे लोगों ने भी सी बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट है सी है, तो उसमें ये बदल जाती हैं। प्लस चूंकि इसको हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा होता है तो इसको जो प्रोसेसर के हवाले से भी, क्योंकि डायरेक्ट इसको प्रोसेसर सपोर्ट करता है बेसिक डाटा टाइप्स को और उनके लिए ऑपरेशन को, तो साइजेज ऑफ दीज टाइप्स कैन ऑल्सो वेरी from one computer to another computer having different processors. Character जो है ये basically जो चार जिसको हम कहते हैं CHAR, they are Roman alphabets है, punctuations, digits and other symbols हैं, and they can be encoded with one byte, उसमें 256 different symbols हैं, और normally आपके जो computers हैं उसमें ASCII encoding इस्तेमाल की जाती है PCs वगैरह पे, तो वो अगर आप मैनुअल आप देखें ASCII का तो वो आपको डिटेल दे देगा। हम C में इसकी डिक्लेरेशन करते हैं कि पहले हमने डेटा टाइप बतानी होती है, उसके बाद वेरिएबल नेम है और उसको हम इनिशलाइज कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल A कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप का है उसमें हम, और उसको सिंगल कोट्स के साथ करते हैं, इट मीन्स एक कैरेक्टर, तो ये A होगा। न्यू लाइन के लिए हम /n, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। टैब कैरेक्टर जो है वो /t है, और बैक स्लैश कैरेक्टर के लिए डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टर्स क्या है? बेसिकली सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स आर जस्ट नंबर्स। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप इस फंक्शन की कैरेक्टर है, और ये उसका प्रोसीजर नेम या फंक्शन नेम फन है। एंड थर्ड इज आर्गुमेंट टाइप, मींस कि वो पैरामीटर्स क्या लेगा, और हम उसके अंदर एक अपना लोकल वेरिएबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है न्यू सी, और उसकी टाइप है चार, और जो पैरामीटर आ रहा है वो भी चार टाइप का है, जिसको उसके लोकल वेरिएबल की टाइप और नेम हमने दे दिया। ये एक कंपैरिजन विद कैरेक्टर्स है, तो ये चूंकि पैरामीटर भी एक लोकल वेरिएबल होता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सी है क्या वो ग्रेटर देन ए या लेस देन जेड है, तो अगर वो है तो उसमें हम ये सी माइनस ए प्लस ए एल्स, उसमें हम सी ही उसको कॉपी कर रहे हैं, तो रिटर्न न्यू सी, तो नया कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स हम परफॉर्म कर रहे हैं उस कैरेक्टर के ऊपर एक फार्मूले के मुताबिक। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन जो है वो कैरेक्टर्स को चेंज करता है। अब हम दो एरेज को हवाले से देख लें, तो एरे जो है आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। एरे बेसिकली अ सेट ऑफ पेयर्स है, सेट ऑफ पेयर्स है, इसमें एक इंडेक्स है और दूसरी वैल्यू है। बेसिकली इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर है, और फॉर ईच इंडेक्स देर इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इंडेक्स। तो सेट ऑफ पेयर्स है, तो हर इंडेक्स के लिए आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ये जो इसके जो इंडेक्स है वो एक ही टाइप का होगा, मीन्स इसको हम कहते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ये स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा वैल्यूज एक साथ आप रख सकते हैं, मगर ऑल द वैल्यूज दे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, यू कैन इम्प्लीमेंट इट बाय यूजिंग कंजक्टिव मेमोरी।
An array is basically a group of related data items that all have the same name and the same data type. तो array जो है वो grouping है of the related data items. जो data items relate करेंगे आपस में और उन तमाम का नाम भी same होगा और उनकी data type भी same होगी. Array can be of any data type we choose. हम array किसी भी data type का बन सकते हैं. और एरे को आर स्टैटिक इन दैट दे रिमेन द सेम साइज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कि जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं, इसका साइज जो वन टाइम आप डिफाइन करते हैं, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो चेंज नहीं होता. अगर आपने एरेज का साइज 10 डिफाइन किया है, तो वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उस एरे में 10 ही एलिमेंट रहेंगे, वो कभी 11 या 9 या 20 या 30 नहीं हो सकते. एन एरेज डेटा आइटम आर स्टोर्ड कंटिगुअसली इन मेमोरी. और एरे के जितने भी डेटा आइटम्स हैं वो मेमोरी में वन आफ्टर अनदर पड़े होते हैं. एंड ईच ऑफ द डेटा आइटम इज नोन एज एन एलिमेंट ऑफ एन एरे. उसको हम एलिमेंट ऑफ एन एरे कहते हैं. एंड ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली. हम एरे को एज अ होल भी ले सकते हैं और हम उसके ईच एलिमेंट को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं. ये और कंडीशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एरे लेते हैं किसी इंटीजर का, और अगर आपके लिए वो जो आर्किटेक्चर है उसमें वो 4 बाइट्स ले रहा है, एंड यू डिफाइन एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, तो उसमें जो है वो बैक एंड पे मेमोरी में 40 बाइट्स, कंसेक्यूटिव 40 बाइट्स की एलोकेशन करेगा. बेसिकली जो जो अगर हम देखा जाए तो जो आपके जो इंटीजर कैरेक्टर्स और वो थी डेटाइज फ्लोट वाली, वो स्केलर थी. दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल डेटा आइटम. तो जो एरे है वो बेसिकली एग्रीगेट वेरिएबल कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. तो जो सी में, सी लैंग्वेज में जो दो इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एग्रीगेट्स हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, वन इज द एरेज एंड अदर इज द स्ट्रक्चर्स. An array is a data structure containing a number of data values, all of which have the same type. Array जो है वो ऐसा data structure है कि जिसमें all the elements they have the same type, और ये static entity है कि same size throughout the execution of the program. इसके against जो structures हैं जिनको हम struct या records भी कहते हैं, वो भी basically containing a number of data values, मगर उसमें हर data value different type की हो सकती. एरे और स्ट्रक्चर में यही फर्क है कि एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे ऑल विल हैव द सेम डेटा टाइप, जबकि स्ट्रक्चर में अगर आपके 4 एलिमेंट्स हैं तो चारों चाहें तो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, और दोनों ही स्टैटिक एंटिटीज हैं कि देयर साइज रिमेन सेम थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो जो स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मली हम फील्ड्स कहते हैं. तो फील्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट एरे एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी ऑफ द सेम टाइप. अगर हम ये एग्जांपल में देखना चाहें कि वन डायमेंशनल एरे है, तो ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एरे है. द एलिमेंट्स द वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे आर कंसेप्चुअली अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर इन अ सिंगल रो. जैसे इसकी डेफिनेशन एक हो सकती है कि इंट A8. अब इसमें इसकी डिक्लेरेशन में ये इसकी डेटा टाइप है, ए उसका नाम है एरे का, और ये 8 उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो मेमोरी में क्या होगा कि एक कंटिगुअस 8 एलिमेंट्स और इंटीजर टाइप है, और लेट्स सपोज कि अगर वो इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 32 बाइट्स की एक कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन होगी कि जिसमें ये 8 एलिमेंट इकट्ठे पड़े होंगे. एक दूसरा तरीका डेफिनेशन का है कि अगर आप कांस्टेंट नंबर के हिसाब से करना चाहें तो हैश डिफाइन से आप एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, और उस कांस्टेंट के बाद में जब आप यूज़ करते हुए एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो इसके केस में हम एक ऐसा एरे डिक्लेयर कर रहे हैं विच हैव 10 एलिमेंट्स. अब एरे को जो है हमने ये कहा था कि उसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वी कैन एक्सेस इट ईजिली. तो उसमें जो है एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इन सी लैंग्वेज. सो द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑफ लेंथ एन आर इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to n-1. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एरे, हम ऐसे एरे ले रहे हैं जिसकी वैल्यू अगर 8 है, जैसे हमने पिछले स्लाइड पर देखा, तो उसमें 8 एलिमेंट में से जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, सेकेंड का 1, नेक्स्ट का 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बेसिकली n-1 जो
8 माइनस 1 7 हो। अब इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हम जब भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर हम 9 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं ऑफ एलिमेंट 1 जो सबस्क्रिप्ट 1 है, यहाँ पर 9 स्टोर हो जाएगा। और हम किसी वक्त भी चाहें, जैसे इस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि जो फिफ्थ एलिमेंट है उसका, रादर द सिक्स्थ एलिमेंट जिसका सबस्क्रिप्ट 5 है, उसमें जो वैल्यू पड़ी है हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और चूंकि उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो हम उस पर इंटीजर के ऊपर जो लैंग्वेज में डिफाइंड ऑपरेशन हैं सच एज इंक्रीमेंट, वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि फिर के द ग्रुप एरे बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, तमाम मेमोरी लोकेशंस की नेम और टाइप सेम होगी। टू रेफर टू एन एलिमेंट वी स्पेसिफाई द एरे नेम, जैसा कि हम ये बता रहे हैं, एंड उसका पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर। तो नेम ऑफ द एरे का आप देखें कि नोट दैट ऑल एलिमेंट ऑफ दिस एरे हैव द सेम नेम सी। फॉर्मेट क्या होगा कि एरे नेम हम सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट आ जाएगी, फिर पोजीशन नंबर होगा और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट पोजीशन जीरो, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो एन एरे एलिमेंट जो है वो उसको हम कहते हैं सी जीरो सी वन एंड सी टू एन माइनस वन। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये आपको पोजीशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इन एन एरे बताता है, और ये हम आपको बता रहे हैं कि इस एट एनी गिवन टाइम उस वक्त इस एरे में जो इसमें के 12 एलिमेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट में वैल्यूज क्या स्टोर पड़ी है। डिक्लेयर करने के लिए एरे को, व्हेन डिक्लेयरिंग एरेज यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम द टाइप ऑफ द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, एरे नेम होगा और ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल्स के तौर पर जैसे है इंट सी 10, तो इसका मतलब है कि हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम सी होगा, जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट की टाइप इंटीजर होगी। ये है फ्लोट माई एरे 3 to 8 4, तो हम एक माई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके 3284 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट फ्लोट टाइप का होगा। डिक्लेयरिंग मल्टीपल एरेज भी हम कर सकते हैं ऑफ द सेम टाइप। तो फॉर्मेट सिमिलर रेगुलर वेरिएबल्स के लिए एग्जांपल ये है, जैसे इंट बी 100 कॉमा एक्स 27, क्योंकि एक ही टाइप के हैं तो कॉमा सेपरेट करके हम जितने चाहें एरेज हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दो एरेज डिक्लेयर होंगे, एक का नाम बी है जिसमें 100 एलिमेंट्स होंगे और एक का नाम एक्स है जिसमें के 27 एलिमेंट्स होंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का क्या सिलसिला है। तो जैसे इंट नंबर 5 हम कह रहे हैं, तो नेम ऑफ दिस एरे इज नंबर्स एंड दिस डिक्लेरेशन सेट्स असाइड अ चंक ऑफ मेमोरी दैट इज बिग एनफ टू होल्ड 5 इंटीजर्स। तो चूंकि अगर वो 4 बाइट्स ले रहा है तो वो 20 बाइट्स की कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऐड करेगा, एंड इट डज नॉट इनिशियलाइज दोज मेमोरी लोकेशंस टू जीरो और एनी अदर वैल्यू जब तक कि आप उसको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे। अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो एट द स्टार्ट दे कंटेन गार्बेज, उसमें कोई भी वैल्यू हो जिसको अपनी तौर पर आप नहीं बता सकते। और अगर आपने डायरेक्टली उसको किसी प्रोसेसिंग में यूज़ कर लिया और आपके ख्याल होगा कि वो उसको इनिशियलाइज जीरो करेगा, तो ये कतन मिस्टेक मत कीजिएगा। और हमेशा ये कीजिएगा कि जब अभी आप एरे इनिशियलाइज करें, एरे को डिक्लेयर करें, उसको साथ में इनिशियलाइज भी कर दें ताकि आपके स्टार्टिंग वैल्यूज़ उसमें मौजूद हों और आपको मालूम हो कि ये इसमें स्टार्टिंग वैल्यूज़ क्या है। तो इनिशियलाइजिंग एन एरे में बी डन विद एन एरे इनिशियलाइजेशन सच एज़ कि जब आप उसकी डिक्लेरेशन करें तो इक्वल टू के बाद ये कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके अंदर आपने 5 एलिमेंट है तो 5 के लिए ही आपने 5 वैल्यूज़ सप्लाई करनी है। ये 5 वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली हम आपको ये बता रहे हैं कि ये नंबर एलिमेंट मेमोरी में है, 5 एलिमेंट हैं, तो पहले एलिमेंट की वैल्यू 5 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 6 है, चौथे की 9 है और फिफ्थ और लास्ट वन की वैल्यू 3 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप, वो टाइप हम यहाँ पर मेंशन, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अनलाइक जावा एरे साइज हमेशा आपको डिक्लेरेशन में बताना होता है। तो अगर हम सी से कंपैरिजन करें तो उसमें हम क्या सी में रखते हैं इंट एरे 10, जावा में हम इंट के साथ साइज नहीं देते, नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम इनिशियलाइज लाजमन करते हैं जिसमें उसका साइज फिक्स किया जाता है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ इंडेक्स 0, ये लास्ट एलिमेंट है विच इज़ इंडेक्स साइज -1।
अब ये जो दोनों हैं 10 और माइनस 1, ये एक्चुअली मेमोरी में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मगर सी का जो कंपाइलर है वो बाउंड एरे एक बाउंड चेकिंग नहीं करता। अगर आप ये स्टेटमेंट्स देंगे तो बेसिकली जो है वो यूजली तो ये एरर नहीं देगा। तो वो क्या करेगा कि हो सकता है अगर बी की एलोकेशन कंसेकटिव है एरे के बाद, तो वो एरे ए 10 को बी कंसिडर करके बी में ये वैल्यूज चेंज कर देगा, और इसके बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये उसको क्या करेगा। इसलिए इस किस्म की लॉजिकल मिस्टेक सी लैंग्वेज में मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको एरर ट्रेस करना खासा मुश्किल हो जाएगा। एरे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से हम फिर आप देखें तो होमोजीनियस है, ईच एलिमेंट साइज जो है वो एस बाइट्स होगा, क्योंकि ये हमने कहा है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वो मुख्तलिफ जो प्रोसेसर है उनके लिए उसकी स्टोरेज भी डिफरेंट है। एन एरे ऑफ एम डेटा वैल्यूज इज अ सीक्वेंस ऑफ एम इंटू एस बाइट्स, इंडेक्सिंग जीरो वैल्यूज इज एट बाइट एस इंटू जीरो, फर्स्ट वैल्यू इज एट बाइट एस इंटू वन, एंड एम एस एस जो है वो बेसिकली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, अनलाइक इन सम अदर लैंग्वेजेस एस इज ऑलरेडी नोन बाय द कंपाइलर व्हिच इज द साइज इन बाइट्स, यूजुअली इररिलेवेंट टू द प्रोग्रामर। एम ऑफन नोन होता है कंपाइलर को, इफ नॉट इट मस्ट बी सेव्ड बाय द प्रोग्रामर। जैसे कि हमने यहाँ पर थ्री डिक्लेरेशन की है इंट ए 3, तो वो मेमोरी में उसको तीन कंसेक्यूटिव लोकेशंस पर रख देगा, और ये हम उसको चूंकि वो चार बाइट्स ले रहा है, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला होगा उसका एड्रेस ये है, फिर दूसरे एलिमेंट का एड्रेस चार बाइट्स के बाद है, और तीसरे एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस भी चार बाइट्स के बाद होगा। ये मेमोरी एड्रेस है और ये उस एड्रेसेस के कॉन्टेंट्स हैं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इन एन एरे हैज अ सबस्क्रिप्ट जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, एंड विच एसोसिएटेड विद इट, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, हमने कहा था कि 0 से n माइनस 1 होता है, तो इस नंबर जो हमने डिक्लेयर किया है 5 का, तो उसमें ये इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड 5, 2, 6, 9, 3 आर द एक्चुअल वैल्यूज स्टोर्ड इन दीज सबस्क्रिप्ट्स। एंड सबस्क्रिप्ट जो है सी लैंग्वेज में देर ऑलवेज इंटीजर्स एंड ऑलवेज बिगिंस एट 0। मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये इसका तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है। एंड वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस बाई इंडेक्सिंग इन टू दी एरे, जैसे कि अगर हमने थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इस स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेंट टू स्ट्रिंग हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नंबर्स 2, ये इंडेक्स तो 2 है मगर ये बेसिकली एरे में थर्ड एलिमेंट है क्योंकि उनके स्टार्ट विद 0, एंड दिस वुड गिव द आउटपुट द थर्ड एलिमेंट इक्वल 6, क्योंकि सेकेंड जो सबस्क्रिप्ट है, जो थर्ड एलिमेंट है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है करंटली वो 3 है। अ सबस्क्रिप्ट जो है कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स टू एन इंटीजर। तो ये सी लैंग्वेज भी आपको ये अलाउ करता है कि जो एरे के जो सबस्क्रिप्ट हैं वो लाजमी नहीं है कि कॉन्स्टेंट्स हों या वेरिएबल्स हों, वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, मगर वो एक्सप्रेशन ऐसा हो कि विच मस्ट इवेल्युएट टू एन इंटीजर, ये फ्लोट में या करेक्टर किसी और में ना हो। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने अगर ये वाला एलिमेंट निकालना है तो हम ए और बी की वैल्यू को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट होगा। एंड बेसिकली क्वेश्चन याद रखिए कि इट इज़ द लॉजिकल एरर व्हेन अ सबस्क्रिप्ट evaluates to a value that is out of the range for the particular array। तो वो ये आपने ध्यान रखना, जैसे पिछली साइड पे भी जिक्र किया था कि अगर आपने एरे एलिमेंट्स अगर 10 रखे हुए हैं तो उनका सब्सक्रिप्ट जो है वो 0 से 9 होगा। अगर आपका ये एक्सप्रेशन evaluate होकर 10, 15 या 20 आता है तो वो सब्सक्रिप्ट एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो मेमोरी को वो पॉइंट किसी और तरीके से कर देगा, तो वहाँ पर जो भी गार्बेज पड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये लॉजिकल एरर है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो सम सिस्टम दे विल हैंडल द आउट ऑफ रेंज एरर्स ग्रेसफुली एंड विल नॉट इंक्लूड आवर्स, जो हम इस्तेमाल करें नॉर्मली व्हेन यू सी अ फाइल नेम कोर और कोर स्टार इट मींस यू एक्सीडेड द एंड ऑफ एन एरे। अब उसके एलिमेंट्स को हमने मॉडिफाई करना है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन आल्सो बी मॉडिफाइड यूजिंग द सबस्क्रिप्ट, हम इसको असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है नंबर 4, 20 इज असाइन टू द वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑफ द सबस्क्रिप्ट 4th, तो चेंज बेसिकली इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट फाउंड एट सबस्क्रिप्ट 4 टू 20। अगर पहले कुछ भी स्टोर था तो उसमें अब
इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद 20 ही स्टोर होगा. इनिशियल वैल्यूज जो है मे बी स्टोर्ड इन एन एरे यूजिंग इंडेक्सिंग रादर देन यूजिंग एन एरे इनिशियलाइजेशन. इनिशियल वैल्यू आप चाहें तो प्रोग्राम स्टेटमेंट के जरिए इस तरह भी दे सकते हैं. इनिशियलाइज वहाँ पर अगर नहीं करना चाहते तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ज़रूर इनिशियलाइज कर दें इसको यूज़ करने से पहले. जैसे नंबर 05, नंबर 12, नंबर 2 को सब्सक्रिप्ट को आप 6 दे रहे हैं, थर्ड सब्सक्रिप्ट को, फोर्थ एलिमेंट को आप 9 दे रहे हैं और फिफ्थ एलिमेंट को वैल्यूज 3 दे रहे हैं. ये भी एक डिफरेंट तरीका है टू इनिशियलाइज दी एरे एलिमेंट. एंड एरे एलिमेंट्स बेसिकली दे आर नॉर्मल वेरिएबल्स. जो अगर वो इंडिविजुअल एलिमेंट जिस टाइप का है वो सारे नॉर्मल वेरिएबल्स बन जाएंगे तो आप उनको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि वो इंडिविजुअल टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल है. आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द सबस्क्रिप्ट. जैसे इफ एक्स इक्वल्स 3 है तो जो C5-2 या C3 या CX दे आर ऑल इक्वलेंट. ये एक ही सबस्क्रिप्ट को पॉइंट करेंगे और इसका जो है वो जो भी आप स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे उसमें उसी स्क्रिप्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उन्हीं पर ही एक्शन होगा. नॉर्मली एरेस का चूंकि साइज हमने कहा है कि स्टैटिक है, फिक्स्ड होता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, चेंज नहीं होता, तो इसलिए अमूमन इस एरे प्रोसेसिंग के लिए जो है वो हम फॉर लूप का लाजमन इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, I is less than n, which is the maybe the maximum number of the array in the loop, and I plus plus. और आप क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट को जीरो की वैल्यू से इनिशलाइज कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं. और ये सेकेंड एक फॉर लूप हम आपको सैम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आप वही लूप है, इसमें आप इंडिविजुअल एलिमेंट को रीड कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर. तो स्कैन एफ की कमांड जो है वो डाटा रीड करने के लिए है. और इसमें ख्याल सिर्फ ये रहे कि जब भी आप सी लैंग्वेज में स्कैन एफ के साथ उसको यूज़ करेंगे तो आपने उसका नाम के साथ ये एड्रेस देना होता है, मींस कि ये यहाँ पर स्टोर करेगा. और जिस तरह आप चाहें तो उसमें आप कोई वैल्यू भी जो है वो आप उनके सम ऑफ दी ऑल दी एलिमेंट्स अगर आप निकालना चाहें तो वो भी इस तरीके से बआसानी निकाला जा सकता है. एरे उसकी इंडेक्सिंग में थोड़ा सा और देखते हैं कि सी डजंट रिक्वायर दैट सब्सक्रिप्ट्स बाउंड्स बी चेक्ड, एंड इफ द सब्सक्रिप्ट गोज आउट ऑफ द रेंज द प्रोग्राम बिहेवियर इज अनडिफाइंड. जैसे आपने ये किया कि अगर आप ये काम कर रहे हैं कि इफ ए ऑफ आई 10 इज आई और उस पर आई कर रहे हैं 10 एलिमेंट्स हैं और जब आपने इसको इक्वल टू और कहा तो बेसिकली तो उसमें जो मेमोरी लोकेशन में तो जगह ए से 0 से 9 तक है, मगर ए ऑफ 10 जो है वो तो नहीं है. मगर इस केस में जब ये लूप चलेगा तो ये 10 दफ़ा चलेगा, बल्कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 10 दफ़ा चलेगा तो ये 1 टू 10 करेगा, जो कि ए ऑफ 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे साइज के हवाले से, मगर एक्चुअली वो ए 0 से 9 है. तो हम ये नहीं बता सकते कि वो जो 10th एलिमेंट में जो वैल्यू डाल रहा है वो कहाँ पर स्टोर होगी और वो किस और वेरिएबल को या किस जगह मेमोरी को वो ऑल्टरनेट कर देगा. अगर आपने लार्ज को भी भेजनी हो तो सिंस मैनी एरेज आर क्वाइट लार्ज सो यूजिंग एन एरे इनिशियलाइजेशन कैन बी इम्प्रैक्टिकल. तो लार्ज एरेज आर ऑफन फिल्ड यूजिंग अ फॉर लूप. अब उसको फॉर लूप से भर लेते हैं. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई को इंक्रीमेंट किया. फॉर लूप का सिंटैक्स है ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, ये कंडीशन टेस्टिंग के लिए होता है और ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन होता है. तो हम उसको जो है वैल्यूज को 0 साइन कर रहे हैं. तो दिस वुड सेट एवरी एलिमेंट ऑफ द 100 एलिमेंट एरे वैल्यूज, उसकी जो वैल्यूज हैं उनको वो 0 कर देगा. और भी डिक्लेरेशन में देखते हैं, जैसे हमने कहा कि int score 39 है तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका टोटल साइज 39 एलिमेंट्स होंगे. ग्रेड काउंट में 5 है तो वो 5 का होगा. इट क्लियर्स टू टाइप एरेज ऑफ टाइप एन, नीदर एरे हैज़ बिन इनिशियलाइज्ड. तो उसमें हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि वैल्यूज क्या स्टोर होंगी. स्कोर विल कंटेन्स 39 एलिमेंट्स, 1 फॉर ईच स्टूडेंट इन अ क्लास. ग्रेड काउंट जो है वो कंटेन्स 5 एलिमेंट्स है, 1 फॉर ईच पॉसिबल ग्रेड ए टू एफ. तो यूजिंग द हैश डिफाइंड फॉर एरे साइजेस, चूंकि कॉन्स्टेंट हमने देना होता तो हम ये कॉन्स्टेंट डिफाइन भी कर सकते हैं कि हैश डिफाइन साइज हमने नेम्ड कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 39 है और ग्रेड्स किया है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट की वो है 5. तो वो मेन फंक्शन के अंदर हम स्टार्ट में क्या कर रहे हैं कि हम एरेज को डिक्लेयर कर रहे हैं और इसका जो साइज है
वो स्कोर के एक तो एरे ऐसा है जो जिसका नाम स्कोर है, डेटा टाइप उसकी इंट है, एंड ईच एलिमेंट विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, और उसका जो साइज़ है वो 39 है, चूँकि वो नेम्ड कांस्टेंट है तो साइज़ को रिप्लेस हो जाएगा 39 से। इसी तरह इंट ग्रेड काउंट में ग्रेड्स हम नेम्ड कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पांच एलिमेंट्स का एरे जिसका हर एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा ग्रेड काउंट के नाम से वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा। एरे सबस्क्रिप्ट में भी एन इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि उस पर आप कोई भी ए ऑफ आई प्लस जे इंटू 10, और आप लूप के जरिए उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे एरे इनिशियलाइजेशन की, कि एरे इनिशियलाइज एरे व्हेन यू डिक्लेयर इट, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ए इन 10 में तो ये क्या करेगा कि तमाम एलिमेंट्स को ये जो है वो कर देगा, और इसमें जो है पहले एलिमेंट में वैल्यू 1 स्टोर करेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर आप इसको पूरा इनिशियलाइज नहीं करते, हाफ करते हैं, तो उस केस में भी आप ये देखेंगे कि ये पहले पांच को जो है वो स्टोर कर देगा। अगर आप ये करते हैं सिंपली तो ये तमाम को ज़ीरो कर देगा, और अगर आप ये कर देते हैं जो इसके ज़रिए आप इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे, बेसिकली जब आपने यहाँ पे साइज़ नहीं मेंशन किया तो ये बिकम द साइज ऑफ द एरे, तो हर एक एरे में वो ज़ीरो ही स्टोर करेगा। इनिशियलाइजर हम बात कर लेते हैं कि इफ एंड वो 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू, इफ़ नॉट अनफ इनिशियलाइजर राइट मोस्ट एलिमेंट्स बिकम ज़ीरो। तो अगर हम ये बता रहे हैं तो इसमें तो अगर पूरे पांच है तो वो पांच में इंडिविजुअल 1, 2, 3, 4, 5 कर देगा, इसमें इनिशियलाइजेशन में वैल्यूज़ कम है तो तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। एंड इफ़ टू मैनी असिंटेक्स एरर, अगर बहुत ज़्यादा हैं असिंटेक्स एरर इज़ प्रोड्यूस्ड, जो को सिंटेक्स एरर होगा। मगर ख्याल रहे कि सी एरेज हैव नो बाउंड चेकिंग, तो वो ध्यान आपके आपने बींग अ प्रोग्रामर खुद रखना है। इफ़ साइज इज ओमिटेड इनिशियलाइजर डिटर्मिनेट, तो बेसिकली तो यहाँ पर अगर मैं साइज मेंशन नहीं किया तो ये 5 इनिशियलाइजर देयर फॉर 5 एरे एलिमेंट। कुछ हम अब यहाँ पर कुछ थोड़े से प्रोग्राम्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि यूजिंग द एरेज। एक हम छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड द एवरेज टेस्ट स्कोर एंड दी नंबर्स ऑफ ग्रेड एज बीज सीज डीज एंड एफ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। तो इसका अगर हम टॉप लेवल डिज़ाइन देखें तो हमने उसको एक मेन मॉड्यूल रखा है और उसके अंदर हमने दो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम यूज़र के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्कोर। तो उसकी हम ये आपको प्रोग्राम लिस्टिंग मैं यहीं पर बता रहा हूँ। ये हैश इंक्लूड जो है ये वो उसके फाइल्स वगैरह के लिए है। इसमें हमने दो नेम्ड कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, ये नंबर ऑफ टेस्ट के लिए 39 है और नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स के लिए हमने पांच, पहले बता देंगे पांच डिफरेंट ग्रेड्स हैं। ये तो वैसे उसमें ए बी सी डी एफ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बा कमेंट्स में दे रहे हैं। तो दो इसमें हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वॉइड प्रिंट इंस्ट्रक्शंस। वॉइड ये इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ऐसा होगा कि जिस जो इसके रिटर्न टाइप कोई नहीं है, वॉइड है और वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो डबल फाइंड एवरेज जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपको डबल वैल्यूज रिटर्न करेगा, और उसके अंदर इनपुट क्या होगी कि सम जो है उसकी वो डबल टाइप का है और क्वांटिटी एक दूसरा पैरामीटर है जो कि इंट टाइप इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर हम ये इसको हम ये जो कमेंट्स कह रहे हैं दिस इज़ द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों से मेरी ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखें तो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें, अदरवाइज़ लेटर स्टेज पर आपको खुद मालूम नहीं होगा कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है। तो ये यू हैव टू मेक दिस योर हैबिट ऑफ कीपिंग दी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कोड। तो यहाँ पर हम एक लूप काउंटर के लिए रख रहे हैं, ये टोटल इज़ फॉर टोटल ऑफ ऑल स्कोर, ये हमने एरे डिक्लेयर किया है स्टूडेंट के स्कोर्स का। ये ग्रेड्स के लिए हम काउंट करें, काउंट ऑफ ए बी वो उसको इंटीजर टाइप का रखा है, और एवरेज चूंकि आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको हम डबल में स्टोर करेंगे एवरेज स्कोर को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम किया कि ये तो इनिशियल वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर दी, तो चूंकि सब प्रॉब्लम्स डिफाइन की हुई हैं तो पहला क्या था प्रिंट इंस्ट्रक्शन, तो हम प्रिंट इंस्ट्रक्शन का मेथड कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल होगा, और चूंकि उसका पैरामीटर भी कोई नहीं है इसलिए कोई आर्गूमेंट सप्लाई नहीं होगा, और चूंकि उसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है तो उसको हम एज अ सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज ग्रेड काउंट्स टू ज़ीरो इंस्ट्रक्शंस प्रिंट होंगे। सबसे पहले आप काम ये कर रहे हैं कि ग्रेड्स क्योंकि है उसको हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं विद ज़ीरो ताकि हमें मालूम हो। उसके बाद हम उसको फिल स्कोर एरे विद स्कोर,
हम ये कर रहे हैं कि स्कोर एरे में वैल्यूज ले रहे हैं, वो हमने बेसिकली ये जब हम डायरेक्ट इनपुट लेंगे तो वो इनिशियलाइज भी हो जाएगा, ओवरराइट भी हो जाएगा, और चूंकि साइज का हमने रखा हुआ है उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं ताकि वो जितने साइज का एलिमेंट है जो कि 39 है तो उतने एलिमेंट्स में वो वैल्यूज यूजर से लेगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि वो विल कैलकुलेट दी स्कोर टोटल, हम उसका टोटल करेंगे एंड वो काउंट द नंबर ऑफ ईच ग्रेड। तो अब वंस द नंबर आर देयर तो अब हमने उसको कैलकुलेशन वाला काम करना है, तो वही हम लूप चलाएंगे लेस देन साइज। तो अब तो ये है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट आ रहा है उसको हम टोटल के स्कोर में स्टोर कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, रनिंग टोटल हम मेंटेन कर रहे हैं, और साथ में हम उसको स्विच स्टेटमेंट के जरिए देख के हम ये चेक कर रहे हैं कि वो किस हवाले से है। तो यहाँ पर हमने केस रखा है, अगर वो केस 60% 70% 80% 90% है तो वो उसमें वो हमने ये बेसिकली है कि 9 इज़ फॉर नार, जो भी उसका स्कोर उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 है, तो वो ग्रेड काउंट जो है वो 4 उसको मीन्स कि वो ए में हो जाएगा। ये बी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सी के लिए कर रहे हैं, और ये उसके लिए कर रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट इज़ फॉर 0 मीन्स के फेलियर के लिए। एवरेज स्कोर को हमने कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्कोर के लिए हम यहाँ पर एक फिर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं कि जिसमें दो पैरामीटर, टोटल काउंट हो गया है, साइज़ हमारे पास मौजूद है, हम उसको भेजेंगे, वो हमें फाइंड एवरेज मालूम करके बताएगा, और जो रिटर्न टाइप होगी वो हम स्टोर कर रहे हैं एवरेज के में, जो कि जिसकी के टाइप डबल है। उसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे रिजल्ट्स की, तो वो रिजल्ट होगा ये देखिए, हमने एक जो मेन प्रॉब्लम थी उसको हमने स्मॉल सब प्रॉब्लम में 4-5 में किया, और प्रिंट एफ में अगर आप ये देखें तो हम सिर्फ ये करें कि उस क्लास की एवरेज बता रहे हैं और उसको ए बी सी डी और एफ ग्रेड की काउंटिंग बता रहे हैं कि उस क्लास में तो आउट ऑफ 39 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेडिंग क्या रही। और आप ये देखें कि थोड़ा सा हमने इसमें जो है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इख्तियार की, हमने एक बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में किया, और फिर हम ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि हाउ वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। और उसमें मेन प्रोग्राम में जो प्रोसेसिंग मेन प्रोग्राम ने करनी थी वो हमने कोड डायरेक्टली उसमें लिख दिया, और जिस काम के लिए हमने कोई फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करने थे वो भी हमने अप्रोप्रिएट जगह पर इस्तेमाल किए। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो अब ये जो फंक्शंस जो हमने लिखे हैं, तो जो प्रिंट इंस्ट्रक्शन है ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि प्रिंट इंस्ट्रक्शन प्रिंट द यूज़र इंस्ट्रक्शन, इसकी कोई इनपुट नहीं है और इसकी कोई आउटपुट नहीं है, एज रिटर्न टाइप चूंकि वॉइड है इसलिए कोई आउटपुट नहीं होगी, चूंकि पैरामीटर्स भी, और इसमें हम सिर्फ यह क्या कर रहे हैं कि हम एक स्क्रीन पर जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज स्कोर फॉर अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ एज बीज सीज डीज एंड एफ एंड यू विल आस्क टू एंटर द इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा फाइंड एवरेज है, अब ये देखें कि फाइंड एवरेज में एक तो हमने उसका पर्पस बताया है कि वट इज़ द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ टू कैलकुलेट एन एवरेज। इनपुट्स इसमें दो है, एक सम है और विच इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और उसके बाद नम है विच इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज क्योंकि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, एंड आउटपुट्स क्या होंगी द कंप्यूटेड एवरेज। और यहाँ पर हमने उसका वो लिख दिया है कि ये रिटर्न टाइप नेम और ये टू पैरामीटर जहाँ ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, जो पैरामीटर हैं दैट विल बी द इनपुट टू दी फंक्शन, और यहाँ पर हम उसको कंप्यूटेड एवरेज का वो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो हमने कहा कि इफ नम इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे सम ओवर नम, और अगर नम जो है वो जीरो के बराबर है तो एवरेज क्या होगी, जीरो होगी, और हम वही एवरेज जो ये लोकल वेरिएबल में स्टोर हो गया उसको हम बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन हम उसको आउटपुट दे रहे हैं, मीन्स रिटर्न कर रहे हैं वापस। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है वो ये एग्जांपल बड़ी इजीली समझ में आ गई होगी, आप इसको आराम से अपने कंप्यूटर पर कोड करें, उसको चेक करें, कंपाइल करें, रन करें। सो इंडेक्सिंग एरेज एज लॉन्ग एज वी न्यू द बिगिनिंग लोकेशन ऑफ एन एरे द डेटा टाइप बीइंग हेल्ड इन द एरे एंड द साइज ऑफ द एरे सो दैट वी डोंट गो आउट ऑफ द रेंज देन वी कैन एक्सेस और मॉडिफाई एनी ऑफ इट्स एलिमेंट्स यूजिंग द इंडेक्सिंग। The array name alone, just for example, without is or brackets लगा दी हैं तो is just a variable that contains the starting address of the block of memory where the array is held. ये सिर्फ starting address रखेगा, individual elements को नहीं रखेगा, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। तो functions में हम जब values pass करते हैं there are two methods, one is pass by value and the other is pass by reference.
सो अभी तक हमने जो फंक्शन देखे हैं तो दे वी हैव ओनली पास्ड वैल्यूज टू द फंक्शन. द फंक्शन हैज अ लोकल वेरिएबल विच इज अ फॉर्मल पैरामीटर टू होल्ड इट्स ओन कॉपी ऑफ द वैल्यूज, जो वो वैल्यू को कॉपी कर लेता है. तो व्हेन वी मेक चेंजेस टू दिस कॉपी द ओरिजिनल द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दे रिमेन चेंज एंड दिस सिनेरियो इज नोन एज द कॉलिंग और मीन्स पासिंग बाय वैल्यू. पासिंग एरर्स टू फंक्शन की बात करेंगे, द फंक्शन प्रोटोटाइप हमने जैसे लिखा है कि वॉइड फिल एरे इंट एजेस और ये खाली कर दिया इंट नम एलिमेंट. द फंक्शन डेफिनेशन हेडर ये प्रोटोटाइप है, ये डेफिनेशन हेडर है कि वॉइड फिल एरे, तो हम ये रखेंगे और इंट के साथ ये करेंगे. द फंक्शन कॉल जो है वो फिल एरे एजेस कॉमा साइज हो जाएगा. नोटिस दैट वी आर पासिंग ओनली द नेम ऑफ द एरे मीन्स कि जो एड्रेस है हम उसकी एड्रेस पास कर रहे हैं एंड दैट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. द फंक्शन इज वॉइड बिकॉज वी विल बी मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे फ्रॉम इट. इसको हम जब इसको हम भेजते हैं तो इसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस. जब हम इसको मेमोरी एड्रेस भेज रहे हैं इट सेल्फ वैल्यू कॉपी नहीं भेज रहे तो वी कॉल इट पास बाय रेफरेंस. तो उसमें जब वो मैनिपुलेशन होती है तो एक्चुअली वो जो वैल्यूज पास हुई भी और जो एड्रेस पास हुआ है फंक्शन उस एड्रेस की मदद से एक्चुअल वैल्यूज को भी वहाँ पे चेंज कर देगा. दैट्स इसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस. एज डेमोस्ट्रेटेड विद एरेज वी कैन पास एड्रेसेस टू फंक्शंस. दिस इज नोन एज कॉलिंग और पासिंग बाय रेफरेंस. व्हेन द फंक्शन इज पास्ड एन एड्रेस it can make changes to the original jo corresponding actual parameter hai and there is no copy made, so you have to take care of it. And this is great for arrays because arrays are usually very large. Aur agar aap uski copies bhejna shuru ho jayenge to aapki memory mein khasi problem bhi ho sakti hai. And we really don't want to make a copy of an array, it would use too much memory. To ye bada dhyan rakhna hai. Passing an array to a function hum wahi hum bata rahe hain कि डिफाइन साइज 4 वॉइड फिल एरे हम पास बाय रेफरेंस के हवाले से हैं. जो मेन फंक्शन में देखेंगे कि हमने ये एक डिक्लेयर किया है सम एरे, हम उस सम एरे को फिल कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं. फिल एरे इज अ फंक्शन दैट विल फिल ईच एलिमेंट ऑफ एन इंटीजर एरे पास टू इट विद अ वैल्यू दैट इज द सेम एज द एलिमेंट सबस्क्रिप्ट. तो फिल एरे में हम लोग उसको जो है एक्चुअल पैरामीटर वो ये फॉर्मल पैरामीटर ये है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो ऊपर साइज के थ्रू आया है. और इसमें हम यही कर रहे हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन नम एलिमेंट्स आई प्लस प्लस. तो जो एन एरे जो उसका नेम है उसी के अंदर हम दे रहे हैं. तो आउटपुट क्या होगी कि वो सम एरे के अंदर बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो यही ट्रांसफर हो जाएंगी. इस फंक्शन के अंदर नाम उसका एन एरे है मगर इसको हम कहते हैं एलियस क्योंकि वो रेफरेंस आया हुआ है. तो वो इस वो जो इस मेन फंक्शन में जिसको हम सम एरे कह रहे हैं उसका एक दूसरा नाम एलियस जो है वो फिल एरे के अंदर एन एरे है. लिहाजा जो चीज़ें एन एरे पे एक्चुअल होंगी वो एक्चुअली सम एरे के ऊपर हो रही हैं बिकॉज वी आर पासिंग सम एरे एज पास बाय रेफरेंस नॉट पास बाय वैल्यू. अगर हम वैल्यू की सूरत में करते तो ये इसी के अंदर वैल्यूज रहती हैं और इसके जब ये फंक्शन ख़त्म होता तो सम एरे में कुछ भी चेंजेस ना होते. अभी हम उसी को ग्रेट प्रॉब्लम वाला जो पिछला प्रोग्राम है उसको हम मॉडिफाई करते हैं यूजिंग पास बाय रेफरेंस. तो प्रॉब्लम वही है कि फाइंड द एवरेज टेस्ट स्कोर एंड नंबर ऑफ ए बी सी डीज एंड एफ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास. अब उसका डिज़ाइन हमने नया कर लिया है तो अब जो उसके उसमें ये किया है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने उसको जो सब प्रॉब्लम बनाई है कि विल सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट द यूज़र इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे ग्रेड काउंट्स को 0 पे, फिर हम यूज़र से नए ग्रेड्स लेंगे एंड उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे ग्रेड्स को. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम एक और सब प्रॉब्लम है कि कैलकुलेटेड एवरेज स्टोर भी करें स्कोर भी करेंगे और फाइनली वी विल प्रिंट द रिजल्ट्स. तो अगर हम ये देखें तो उसी ग्रेड प्रोग्राम के हवाले से तो अब हमारी जो डेफिनेशंस हैं जो नेम्ड कॉन्स्टेंट्स की हैं वो बढ़ गई हैं. हमने यहाँ पर वो ए बी सी डी एफ को भी डिफाइन कर दिया, मिनिमम और मैक्सिमम को भी डिफाइन कर दिया. तो हम इसमें जो है कुछ 6 फंक्शंस रख रहे हैं. एक प्रिंट इंस्ट्रक्शंस का है जिसका को पैरामीटर कोई नहीं है. इनिट एरे हम इनिशलाइज करेंगे और उसमें हम एज अ पास बाय रेफरेंस भेज रहे हैं, साइज भेज रहे हैं, फिल करेंगे तो उसके मिले हम उसी एरे को हम जो जिसको भेजा जाएगा उसको फिल करेंगे. प्रोसेस ग्रेड करेंगे कि जिसमें हम स्कोर का एरे भेज रहे हैं, साइज भेज रहे हैं और इंट ग्रेड काउंट भेज रहे हैं वो प्रोसेस करके डबल की वैल्यू के साथ उसको रिटर्न करेगा. फिर हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं जिसमें हम डबल सम और इंट सम करेंगे और फाइनली प्रिंट रिजल्ट जो कि होगा वो उनको डबल एवरेज और इंट ये 2 पैरामीटर्स हैं जिनको हम ग्रेड काउंट और एवरेज को भेजेंगे तो वो उसको प्रिंट कर देगा.
तो यहाँ पर हमने दो लोकल वेरिएबल्स मेन फंक्शन के लिए है, इंट स्कोर और साइज उसका 39, ये 5 है, डबल एवरेज भी हमने ले लिया। अब अगर हम ये देखें तो हर सब प्रॉब्लम के लिए हमने 5 फंक्शंस लिखे, वो जो हमने 5 डिज़ाइन किए थे, एंड वी कॉल वन आफ्टर अनदर, एंड इन दी एंड चूंकि इंट जो है वो रिटर्न कर रहा है इन टाइप की वैल्यू, वो विल रिटर्न 0, तो दैट मीन्स द नॉर्मल टर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन मेन। तो पहला फंक्शन इसमें प्रिंट इंस्ट्रक्शंस का है, दूसरा इनिट एरे है जिसमें हम अब एक्चुअल पैरामीटर्स ग्रेड काउंट और ग्रेड्स जो है उसको फिल एरे में हम स्कोर और साइज को कर रहे हैं, एवरेज में हम इसको, अब ये देखें प्रोसेस ग्रेड्स जो है चूंकि उसने रिटर्न करना है तो एवरेज के जो जिसकी टाइप डबल है उसी में वो वैल्यू रिटर्न करेगा, और फाइनली हम उस एवरेज को ग्रेड काउंट को भेजेंगे और रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो वही उसी तरह है, वो सेम इंस्ट्रक्शन है, उसमें हमने चेंजेस नहीं की, इसकी इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी। इनिट एरे को हमने उसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं इंटीजर टू ऑल जीरोस, और इसमें इनपुट है एन एरे, एरे टू भी इनिशियलाइज और साइज उसका है, और आप ये देखें कि हमने इनिशियलाइजेशन उसमें जीरो के साथ कर दी। ये जो तीसरा फंक्शन है फिल एरे, इट फिल्स एन इंटीजर एरे विद वैलिड वैल्यूज दैट आर एंटर्ड बाय द यूजर, अश्योर्स द वैल्यूज आर बिटवीन मिनिमम 0 and 100, वो भी हम एरर चेकिंग को भी हैंडल कर रहे हैं। इनपुट्स इसमें जो है वो एन एरे है विच इज़ द एरे टू फिल और साइज है उसका बेसिकली, और आउटपुट्स में हम साइज दे रहे हैं साइज ऑफ द एरे का, और ये आउटपुट में चला जाएगा, और साइड इफेक्ट क्या है कि मिन एंड मैक्स मस्ट बी हैश डिफाइंड इन दिस फाइल, तो वो हमने एज अ कॉन्स्टेंट डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लूप काउंटर लगा रहे हैं और उसके हम उसको ले रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू, और उसको हम वैल्यू दे रहे हैं कि जब, और हम मेक श्योर ये कर रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू लेस देन मिनिमम है या ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो वो हम उसको एरर मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दोबारा वही एरर करे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। प्रोसेस ग्रेड जो है वो उसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एज बी सी डीज एंड एफ एंड कंप्यूट द एवरेज स्कोर, इसमें इनपुट जो आ रही है वो स्कोर आ रहा है एरे स्टूडेंट स्कोर साइज ऑफ द एरे और ग्रेड काउंट ऑल इनिशियलाइज्ड टू जीरो, आउटपुट्स में ग्रेड काउंट नंबर ऑफ एज बी सी ये ऑलरेडी यहाँ से चला जाएगा, साइड इफेक्ट में ये है कि ए बी सी डी एफ मस्ट बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम। तो डबल प्रोसेस ग्रेड में हम देखें इंट को हमने टोटल किया है, डबल एवरेज को किया है, उसके बाद हम यहाँ पर हम वो वही उसी तरह रनिंग टोटल के अंदर हम स्कोर्स को कर रहे हैं ताकि हमें टोटल स्कोर्स मिल जाए, और फिर हम उसके साथ साथ ग्रेड्स को भी देख रहे हैं और उसको ग्रेड्स को काउंट करते जा रहे हैं, और अगर उसके अलावा कोई एरर है तो हम एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं। फाइनली जो है वो हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास टोटल भी आ गया है साइज भी आ गया है तो उसकी मदद से हम एवरेज फाइंड करेंगे क्लास की और उसको एवरेज को यहाँ पर स्टोर करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा उसको बिफोर द एंड ऑफ द फंक्शन उसको हम रिटर्न बैक कर रहे हैं। फाइंड एवरेज का जो अभी जिक्र हुआ था उसमें कैलकुलेट्स एन एवरेज, दो इनपुट्स हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, और आउटपुट क्या है कि वो कंप्यूट करके एवरेज वो उसको वापस आउटपुट करेगा। प्रिंट रिजल्ट में सिंपली उसके दो पैरामीटर्स हैं, इट प्रिंट द क्लास एवरेज एंड द ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, वही वो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखें हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसमें हिस्टोग्राम प्रिंटिंग है, इसमें बेसिकली हम इनिशलाइज करेंगे एरे को, लूप लगाएंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइज डिफाइन किया है और उसमें हम ये देखें यहाँ पर हमने एक क्योंकि साइज छोटा था 10 एलिमेंट्स का तो हमने उसको 10 एलिमेंट्स को इनिशलाइज कर दिया आई जे से। अब उसके बाद हम ये बेसिकली प्रिंट एफ के उसको आउटपुट कुछ प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उसके साइज, अब हम साइज के जो उसके वैल्यूज पड़ी हैं तो जितनी वैल्यूज होंगी उस हवाले से हम उसको स्टैटिक्स उसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद फाइनली ये रिटर्न होगा। इसकी जो आउटपुट है वो आप देखें तो बड़ी आसान सी है कि हम ये बता रहे हैं कि एलिमेंट 0 है तो उसमें चूंकि वैल्यू 19 है तो वो 19 स्टार्स प्रिंट करेगा, अगर 3 है तो 3 का है, 15 है तो 15 स्टार्स। तो ये अगर आप इसको इस तरह देखें तो ये ग्राफ में हिस्टोग्राम की तरह का आपको मालूम हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। एरे जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स इसमें है, अ सेट ऑफ पेयर्स है इंडेक्स और वैल्यू, वेयर फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडेक्स देयर इज अ वैल्यू फ्रॉम द सेट आइटम, और इंडेक्स इज अ फाइनाइट ऑर्डर सेट ऑफ वन और मोर डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल 0 to n-1 फॉर वन डायमेंशन एंड 0 0 0 ऑल दैट फॉर द टू डायमेंशन एक्सेट्रा। मेथड्स इसमें क्या होंगे, हम जो मेथड्स कर रहे हैं तो फॉर ऑल ए which belongs to an array, i is to index, x is an item, j size is an integers,
तो एरे क्रिएट जो है, अगर हम चाहें जे लिस्ट, तो रिटर्न्स एन एरे ऑफ जे डायमेंशंस वेयर लिस्ट इज द जे टपल हुज केथ एलिमेंट इज द साइज ऑफ द के डायमेंशन, आइटम्स आर अनडिफाइंड। आइटम रिट्रीव ए आई है, तो इफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स रिटर्न द आइटम एसोसिएटेड विद द इंडेक्स वैल्यू आई इन एरे ए, एल्स रिटर्न एरर। आइटम स्टोर हम ये बता रहे हैं, तो ये अभी हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ये बता रहे हैं कि क्या ऑपरेशंस हम इस एरेस पे कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा में ये चीज़ है कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो जब आप इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो आप इसको जिस तरह चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थ्रू आउट दिस कोर्स हम इसको सी लैंग्वेज को जो एज एन इम्प्लीमेंटेशन टूल रखेंगे, इसलिए मेरे लेक्चर्स में आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगी वो ज़्यादातर सी लैंग्वेज से होंगे। द अदर थिंग पॉइंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने जो आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं उसमें पॉइंटर के साथ हमें काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। आई होप कि आपने इसको प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ा हुआ होगा। पॉइंटर इज अ वैल्यू इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एन एड्रेस और अ लोकेशन भी कहते हैं। इट इज़ यूज इन मशीन लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई विच डेटा टू एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल स्टैक पॉइंटर जो है इज द एड्रेस ऑफ मोस्ट रिसेंट एंट्री ऑफ दी स्टैक, तो वो स्टैक पॉइंटर जो है वो सबसे रिसेंट एंट्री को पॉइंट कर रहा होता है। ये नॉर्मली यूजली 2, 4 और 8 बाइट का है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन आर्किटेक्चर कि उसमें मेमरी एड्रेस किस टाइप का है। मेमरी एड्रेसिंग को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये जो हम उसमें ये है, ये प्रोग्राम का जो कोड है और ये यहाँ पे डेटा है, तो ये मेमोरी में एक साथ ही पड़े होते हैं। तो प्रोग्राम जो पीसी जो है, प्रोग्राम काउंटर इज़ अ रजिस्टर विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टैटिक डाटा वो होता है जो आपका ग्लोबल डेटा होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स का। जो पॉइंटर्स हैं वो हमेशा हीप से डायनामिकली एलोकेट किए जाते हैं, और जो फंक्शंस के जो पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न टाइप्स हैं दे आर डायनामिकली एलोकेटेड फ्रॉम द स्टैक, और ये स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होता है। तो ये हम एड्रेस स्पेस आपको बता रहे हैं कि इट गोज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेमोरी टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द मेमोरी। तो देर आर दीज आर बेसिकली ये एड्रेसेस हैं ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन अ 32-बिट मशीन आर्किटेक्चर। तो ये चूंकि हेक्सा में है तो इसलिए आपको ये आपको नज़र आ रहा होगा 8, और 8 बेसिकली हेक्सा डिजिट्स हैं एंड ईच हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। तो ये 32-बिट मशीन आर्किटेक्चर में मेमोरी एड्रेसेस इस तरह चलाएंगे। पॉइंटर्स को सी में दे आर यूज एवरीवेयर फॉर बिल्डिंग यूजफुल इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। You can use them for returning data from the functions and most modern they are used for managing arrays. इसमें जो है एंड जो है इट्स अ जूनरी ऑपरेटर विच जनरेट्स अ पॉइंटर टू एक्स, बेसिकली एड्रेस होता है ये इसका। जैसे हम स्कैन एफ में इसका बहुत इस्तेमाल है, अगर हम पी इक्वल्स एंड्रेस को ये एम्पर जो है वो करेंगे तो ऑपरेंड ऑफ ए मस्ट बी एन एल वैल्यू। एल वैल्यू मीन्स दैट इज अ लीगल ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर। तो इसमें जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर पे जो है वो ये लीगल वैल्यू होनी चाहिए, नॉट द सेम एज बाइनरी एंड ऑपरेटर जो जो बिट वाइज एंड का है। इसमें दूसरा जो ऑपरेटर आएगा जिसको हम स्टैटिक के साथ करेंगे विच कॉल द डी रेफरेंस अ पॉइंटर। इट गेट बेसिकली इसका पर्पस क्या है, टू गेट वैल्यूज पॉइंटेड टू। जैसे आप ये स्टार पी जो है रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ सी अबव, यानी कि इस सी में जो जो भी है वो करेगा। और इस पर आप पॉइंटर के साथ आप अरिथमेटिक भी कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर हम असाइनमेंट भी कर सकते हैं ये डी रेफरेंस के जरिए। डिक्लेयरिंग पॉइंटर कैसे होगा, इंट स्टैटिक पी कहते हैं, इट मीन्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। ये पी एक अपनी मेमोरी लोकेशन होगी जिसके अंदर सिर्फ एक एड्रेस स्टोर होगा, और ये एड्रेस किस टाइप का स्टोर करेगा, इंटीजर के लिए डबल। ये तो इज ए पॉइंटर टू अ डबल। जब आप डबल उसके साथ लगा देंगे तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। और जब ये टाइप आप यू करेंगे अ पॉइंटर टू अन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टाइप, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रक्ट एक टाइप हो सकती है, यूनियन हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, समथिंग डिफाइंड बाय टाइप डेफ जिसके जरिए आप कर सकते हैं। पॉइंटर डेक्लेशन को हम क्विकली देख लेते हैं, राइट रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कॉन्स्ट इंट जो है पी इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर कॉन्स्टेंट, दैट इज पॉइंटर कैन चेंज थिंग्स इट पॉइंट टू कैन नॉट बी चेंज्ड। और इंट जब हम इंट इस तरह लिखते हैं तो क्यू इज अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल,
That is now the pointer cannot be changed, but things it point to can be changed. वो मेमोरी लोकेशन फिक्स हो जाएगी. जब हम इसको यूं लिखते हैं कॉन्स्टेंट int star const r, तो r इज द कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर कॉन्स्टेंट. पॉइंटर ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो आप क्रिएशन कर सकते हैं विद द एम्परसेंड वेरिएबल, रिटर्न वेरिएबल्स मेमोरी एड्रेस, डी रेफरेंस कर सकते हैं जब पॉइंटर के साथ. तो हम ये लगाते हैं रिटर्न द कॉन्टेक्ट कोड एट द अदर एड्रेस. और इनडायरेक्ट असाइनमेंट पॉइंटर इज इक्वल टू वैल विच वैल्यू स्टोर द वैल्यू एट एड्रेस दिस मच. एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल हैव द असाइनमेंट विच इज पॉइंटर इज टू पॉइंटर स्टोर्स पॉइंटर इन अनदर पॉइंटर वेरिएबल. यूजिंग पॉइंटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि int i1, int i2, वो यहाँ पर होगा. पॉइंटर ptr यहाँ पर है. हाँ, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो हैं वो i1 को हम i1 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, i को 2 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं i2 को. और यहाँ पर पॉइंटर में हम क्या कर रहे हैं कि एड्रेसेस जिनके दे रहे हैं. I1 का एड्रेस हमने दिया पॉइंटर 1 को, और फिर वो जो पॉइंटर 1 का एड्रेस है वही पॉइंटर 2 को दिया. उसके बाद हमने 3 की वैल्यू जो पॉइंटर 1 जिसको रेफरेंस कर रहा है उसमें 3 डाल दी है. तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो I1 जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो बेसिकली यहाँ पर मेमोरी में 1 आ गया. जब ये हुई तो इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर 2 आ गया. जब आपने ये किया तो बेसिकली आपने क्या किया कि इसका जो एड्रेस है वो आपने किस में स्टोर कर दिया, PTR1 में. और पॉइंटर 2 क्या कर रहा है, जब आपने ये स्टेटमेंट दी तो वही चीज आपने पॉइंटर 2 के अंदर स्टोर कर दी. असाइनमेंट क्योंकि असाइनमेंट हुई तो जो इसके वैल्यू थी वो उसमें चली गई. और जो ये तीसरा है, अब आपने जब बेसिकली पॉइंटर 1 को जब वैल्यू असाइन, तो पॉइंटर 1 किसको पॉइंट कर रहा था, इसको कर रहा था, उसको 3 कर दिया. और जब आप यूं करेंगे तो बेसिकली अब आप क्या कर रहे हैं कि I2 के अंदर भी वही वैल्यू दे रहे हैं कि जो कि PTR3 के जरिए थी. तो इसको पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए बड़ा ध्यान में आपने रखना है. तो जैसे आप ये कर रहे हैं तो सम डेटा टू पॉइंट टू ये है. जब आप ये कर रहे हैं तो गेट एड्रेस ऑफ द डेटा, ये भी एड्रेसिंग का है. तो व्हाट हैपन्स, तो टाइप चेकिंग वार्निंग है. यहाँ पर आप ये देख लेंगे इंट पॉइंटर टू इज नॉट एन इंट. तो इसका ध्यान रखना, ये वैल्यू पॉइंटर टू है जबकि ये पॉइंटर टाइप का है. और इस केस में आप कर रहे हैं कि इंट वन बिकम्स एट, क्योंकि आपने वैल्यूज को उसकी इनडायरेक्टली डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यूज के अंदर ट्रांसफर कर दी है. तो वो इंट वन में बजाय 1036 के 8 कर देगा. इसलिए पॉइंटर्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना. तो पॉइंटर टू इज नॉट एन इंट, चेंजेस वो डजंट चेंज, वो इंट में रहेगा. तो पॉइंटर के साथ आप अरिथमेटिक भी कर सकते हैं. जैसे आप क्यू पी प्लस वन करेंगे तो इट विल कंस्ट्रक्ट अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर स्टैटिक पी एंड असाइन इट टू क्यू. डबल के साथ अगर आप ये कर रहे हैं और आर पी प्लस एन करेंगे तो कंस्ट्रक्ट अ पॉइंटर टू अ डबल दैट इज एन डबल बियॉन्ड एन असाइन इट टू आर, एन मे बी नेगेटिव. लॉन्ग इंट है, उसके साथ आप इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी टू द नेक्स्ट लॉन्ग इंट, डिक्रीमेंट क्यू टू द पॉइंट टू द प्रीवियस लॉन्ग इंट. तो फ्लोट के साथ अगर आप करेंगे तो n इज द नंबर ऑफ फ्लोट बिटवीन p एंड q एंड दैट व्हाट वुड बी एडेड टू q टू गेट p. तो c नेवर चेक्स दैट द रिजल्टिंग पॉइंटर इज वैलिड, ये कभी वो चेक नहीं करेगा. तो पॉइंटर प्लस नंबर है तो आप पॉइंटर प्लस वन कर देंगे, एड सम वन थिंग टू द पॉइंटर. ये यहाँ पे जब एड्रेस कर रहे हैं तो ये उसकी एड्रेसिंग में चेंज करेगा. जब आप उसको स्टैटिक के साथ करेंगे तो वो जिस पॉइंट को कर रहा होगा उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी ये उनको चेंज करेगा. इन ईच पी नाउ पॉइंट्स टू बी अज्यूमिंग कंपाइलर डजंट रीऑर्डर द वेरिएबल्स इन मेमोरी. एड्रेस जो है एड्स वन इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर टू द मेमोरी एड्रेस, जबकि यहाँ पर इस केस में एड्स वन टू द साइज ऑफ इंट टू द मेमोरी एड्रेस. Pointer arithmetic should be used very cautiously. Simplest pointer in C is null, points to no data. Dereferencing जिसमें illegal है because it causes segmentation fault. तो उसको आप उसमें जो है वो यहाँ पर इन header files में define कर सकते हैं. Generic में अगर हम ये देखें तो void hash जो है वो a pointer to anything. तो void के साथ जब आप करते हैं तो वो आप वो किसी भी चीज़ को आप point करवा सकते हैं. तो इट कैन लूज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज पॉइंटेड टू. इट रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस ऑफ कंपाइलर्स टाइप चेकिंग एंड नाउ यू कांट यूज द पॉइंटर अरिथमेटिक. सो इसको वॉइड के साथ इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा.
यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली यू टेल द कंपाइलर टू चेंज एन ऑब्जेक्ट टाइप फॉर टाइप चेकिंग पर्पज, इट डज नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट इन एनी वे, डेंजरस है बट समटाइम्स नेसेसरी। पास बाय रेफरेंस को हम इसमें देख लेते हैं कि जब हम इसके ज़रिए पास करते हैं तो ये रेफरेंस इटसेल्फ पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो ए और बी है तो यहाँ पर उनका, क्योंकि अगर आपके फॉर्मल पैरामीटर्स पॉइंटर टाइप के हैं तो जब उनके एक्चुअल पैरामीटर जब उनको कॉल किया जाएगा तो उसमें आपने वैल्यूज़ नहीं भेजनी बल्कि उनके एड्रेसेस भेजने हैं। जब एड्रेस भेजेंगे तो वट एवर इज़ डन हेयर वो उनको यहाँ पर मॉडिफाई होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेट एक्स एंड वाई। बेसिकली वो ए और बी में जो वैल्यूज़ हैं, ए में जो है वो 1001 और बी में 1002 स्टोर हो जाएगा। जब ये वन है और इसकी जब ये एक्स और वाई को पॉइंट कर रहे हैं, जब वो फंक्शन ख़त्म होगा तो वो उसको 1001 और 1002 कर देगा। एरेज और पॉइंटर्स का साथ है, दे आर क्लोजली रिलेटेड इन सी लैंग्वेज, इन फैक्ट दे आर एसेंशियली द सेम थिंग स्पेशली व्हेन दे आर यूज्ड एज अ पॉइंटर ऑफ फंक्शंस। जैसे हमने ये किया है इंट ए 10 एंड इंट डायरेक्ट पी, तो टाइप ऑफ ए इज इंट एंड पी। जब हम ये करते हैं एंड ए इज इक्वल टू पी आर लीगल असाइनमेंट्स बिकॉज स्टैरिक ऑफ पी रेफर्स टू ए ऑफ जीरो एंड पी प्लस एन रेफर्स टू ए ऑफ एन। और इसी तरह जब हम एंड एन फाइव करेंगे और उसका एड्रेस पी को देंगे इज द सेम एज पी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव। डबल के हवाले से हम करेंगे वैसे डबल ए, तो ओनली डिफरेंस है कि डबल ए सेट असाइड 10 यूनिट्स ऑफ मेमोरी ईच लार्ज इनफ टू होल्ड अ डबल, जबकि डबल ए सेट असाइड 1 पॉइंटर साइज यूनिट ऑफ मेमोरी, यू आर एक्सपेक्टेड टू कम अप विद द मेमोरी एल्सवेयर। ऑल पॉइंटर वेरिएबल्स आर द सेम साइज इन एनी गिवन मशीन आर्किटेक्चर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप दे पॉइंट टू, क्योंकि उन्होंने वो एक ही उनका वो होगा। नोट आपने ध्यान रखना है कि सी डज नॉट असाइन एरेज टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो डिफरेंट एरेज डिफाइन किए हैं 10 एलिमेंट्स के, तो आप ए इज इक्वल टू बी नहीं कर सकते, वो पूरी वैल्यूज नहीं करेगा, वो असाइन द पॉइंटर वैल्यू ऑफ बी टू द पॉइंटर वैल्यू ए, तो कॉन्टेंट्स ऑफ एरे ए रिमेन्स अनटच्ड। वो असाइनमेंट के जरिए जरूर आपको कोई ना कोई खुद बिल्डिंग फंक्शन लिखना पड़ेगा, खुद फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा जो इनकी वैल्यूज को वन बाय वन दूसरे में ट्रांसफर करेगा। एरेज को वी कैन ऑल्सो यूज अ फंक्शन पैरामीटर, जब करते हैं तो या तो हम इस तरीके से भेजते हैं या इस तरीके से भेजते हैं। दे आर आइडेंटिकल फंक्शन प्रोटोटाइप्स, दोनों बराबर हैं। Pointer is passed by value, that is caller copies the value of pointer to float into the parameter a. The called function can reference through that pointer to reach the thing which is being pointed to. तो वही अगर इसको हम इस्तेमाल भी हम देखेंगे तो void init float a int array size तो है, तो उसमें हम इसके जरिए कर सकते हैं। They assign values to the array a in place so that the caller can see the changes. यहाँ पर हम n को जो है वो टाइप कास्टिंग के जरिए फ्लोट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि जो a की जो एलिमेंट टाइप है वो फ्लोट है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे हम ये है कि स्कैनफ कर रहे हैं, एरे काउंट है और उसके एंड ऑफ फाइल, उस फाइल रीडिंग के लिए डबल गेट लार्ज साइज, उसमें हम कॉन्स्टेंट डबल भेज रहे हैं, कॉन्स्टेंट इंट साइज है, और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि गेट लार्जेस्ट रिकर्शन के जरिए हम उसमें या तो हम ये रिटर्न करेंगे या वो करेंगे। Even though all arguments are passed by values to the functions, pointer allow functions to assign back data to the coin. And arrays are pointers passed by value. Safety note, आपने जो आज का ध्यान रखना है कि when passing arrays to functions, always specify const if you don't want function changing the value of any elements. Reason, you don't know whether your function would pass array to another before returning to you. एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि मैनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस डोंट स्पेसिफाई कॉन्स्ट इन देयर ओन हेडर, सो यू कैंट आइदर। तो एरेज ऑफ जो है वो आप ये जो है ये बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो डेक्लरेशन है लिस्ट ऑफ फाइव, इट विल क्रिएट फाइव इंटीजर्स। जब हम ये करते हैं बेसिकली दीज आर द फाइव पॉइंटर टू इंटीजर्स, इसमें ये एरे है बट इट्स एन एरे टू इंटीजर्स, ये पॉइंटर एरेज टू इंटीजर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लिस्ट ऑफ ए में जो आप इस तरह चलेगा, बेस एड्रेस विल बी अल्फा, जो नेट का एड्रेस है वो अल्फा प्लस साइज ऑफ एंड टू इंटू साइज ऑफ एंड साइज ऑफ, बेसिकली जो जितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो सी लैंग्वेज में डिफाइन की हुई हैं फॉर द इंटीजर टाइप।
अगर आपने कंपैरिजन करना है लिस्ट वन एंड इन सी तो सेम है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर द पॉइंटर्स, लिस्ट टू रिजर्व्स फाइव लोकेशंस। नोटेशन जो है वो हम यही इस्तेमाल करते हैं कि आप पॉइंटर टू लिस्ट टू जीरो, लिस्ट वो पॉइंटर टू लिस्ट टू आई एंड उसके बराबर है, एंड इसको अरिथमेटिक भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर तमाम करते हैं, हम उसको समराइज कर देंगे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस ब्रीफली व्हाट इज द डेटा टाइप एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमने बात की थी सम बेसिक डेटा टाइप्स की, हमने कैरेक्टर इंटीजर डबल फ्लोट वगैरह को देखा। वी टॉक अबाउट जो मेन हमारी डिस्कशन थी इस वो आपकी थोड़ी सी रिवीजन और उस हवाले से था कि एरेज की हाउ टू डिक्लेयर एरेज, उसकी डिक्लेरेशन के क्या मेथड्स हैं, इनिशियलाइज हम कैसे कर डिक्लेरेशन के साथ भी कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ फॉर लूप भी कर सकते हैं। हाउ एरेज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द मेमोरी, वो उस पर ऑपरेशंस क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, रीड करने का, राइट करने का, या उसकी प्रोसेसिंग का। वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि एरेज को जब हम फंक्शन के एज अ पैरामीटर्स भेजते हैं तो हाउ वी कैन पास देम आइदर एज एन एड्रेस और एज एन वैल्यू, वो भी हमने देखा। देन वी टॉक अबाउट द पॉइंटर्स फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, हमने डिक्लेरेशन उसकी कैसे हो सकती है, इनिशियलाइजेशन, और हमने खास तौर पर यह देखा कि एरेज के साथ जो है वो एरेज एंड पॉइंटर्स व्हाट रिलेशनशिप दे हैव एंड हाउ वी कैन पास एरेज एज पैरामीटर्स बाय पास द रेफरेंस टू द फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली होप कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगा होगा, मगर अगर आप इसको एक दो दफ़ा दोबारा सुनेंगे तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। मैंने इसको बड़ी सादा जबान में समझाने की कोशिश की है, एंड इस पे जो अब मैंने कॉशंस जहाँ जहाँ दिए हैं तो अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त उन कॉशंस को मद्देनजर रखिएगा, अदरवाइज पॉइंटर्स विल गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल इन एंड गिव यू लॉट ऑफ लॉजिकल एरर्स एंड विच आर क्वाइट डिफिकल्ट डीबग, हो तो जाते हैं बट इट टेक्स टाइम कंज्यूमिंग। तो बेहतर ये है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैंने बताई है उसको जरूर फॉलो करते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन योर प्रोग्राम ऑन द पेपर डेस्क जैकेट एंड देन राइट द एल्गोरिदम्स, इसको उसके बगैर कोडिंग मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।